सीकर जिले के रेंगस कस्बे में आज पेयजल की समस्या को लेकर महिलाओं का आक्रोश फूट पड़ा है। महिलाएं पार्षद श्रीराम वर्मा के नेतृत्व में खाली मटके लेकर जलदाय विभाग सहायक अभियंता कार्यालय पहुंच गई। महिलाओं ने पेयजल के लिए जलदाय विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। पार्षद श्रीराम वर्मा ने बताया कि वार्ड संख्या 1 के न्यू आजाद कॉलोनी, हरिजन बस्ती, मस्जिद कॉलोनी आदि में पिछले लंबे समय से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है। गर्मी के मौसम में आमजन को परेशानी झेलनी पड़ रही है। समस्या को लेकर जलदाय विभाग के अधिकारियों को पहले भी अवगत करवाया गया था, लेकिन पानी की पाइपलाइन ठीक नहीं करवाने के चलते आमजन को राहत नहीं मिल पा रही है। मामले में जल्दी ही विभागीय कर्मचारी का कहना था कि वार्ड में पानी की सप्लाई हो रही है, लेकिन फिर भी किसी कॉलोनी में अगर पानी नहीं पहुंच रहा है तो पानी सप्लाई के समय पाइपलाइन चेक करवा दी जाएगी, जिससे समस्या का समाधान हो जाएगा।